गेमिंग, पीछे की तरफ एल्केमिस्ट भी मौजूद है, महाकाल गोल्डन लामा और राहुल सिंगदागी संभल के खेलते हुए। यहाँ पे राहुल सिंगदागी का ट्रैक शॉट मिस हुआ है, ज्यादा देर तक यहाँ पे क्रोनोशील्ड रहेगी नहीं। ज्ञान गेमिंग रिटर्निंग जी जी, जैसा कि मैंने आप सबसे दरख्वास्त की थी कि आज चैट में मचा के बताइए, महाकाल नॉकआउट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे अटैकिंग गेम प्ले ज्ञान गेमिंग द्वारा, बहुत ज्यादा अटैकिंग गेम प्ले ज्ञान गेमिंग द्वारा, यहाँ पे शॉट बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पे एल्केमिस्ट ने ज्ञान गेमिंग को मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब बचना मुश्किल। पैराडॉक्स बिल्कुल अकेले, पैराडॉक्स और खेल खत्म यहाँ पे। और टीएसजी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे, टू साइड गेमर्स पूरा एफर्ट लगा रहे, दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, लेकिन ये क्या, ऋषि गेमिंग के पास भी मौका है मैच को जीतने का। ऋषि गेमिंग एलिमिनेट हो गया एक ही सेकंड में, फेम क्लैशर्स माफ कीजिएगा अभी बचे हुए हैं ऋषि गेमिंग के मर्सी। फेम क्लैशर्स क्या पहला मुकाबला बुआ करेंगे? फेम क्लैशर्स आगे बढ़ते हुए अमीन अनीस के ऊपर, बहुत ही तगड़ा हमला, फेम क्लैशर्स का बहुत ही जबरदस्त शॉट, फेम क्लैशर्स तेजी से आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे अगर आप देखें फेम क्लैशर्स के पास पहले ही मुकाबला बुआ करने का मौका है, यहाँ पे फेम क्लैशर्स तेजी से आगे बढ़े। यहाँ पे अगर आप देखें MP5 से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हुए मर्सी के ऊपर हमला, फेम क्लैशर्स नॉकआउट हो चुके, मैन टू मैन एडवांटेज का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए फेम क्लैशर्स, लेकिन सामने की तरफ ऋषि गेमिंग के पास पूरा मौका, मर्सी यहाँ पे क्या 2v4 मुकाबला जीत पाएंगे फेम क्लैशर्स, बाहर देना बहुत ही मुश्किल है मुकाबला, 2v3 तक यहाँ पे डाउन हो चुका है मर्सी। मर्सी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, ऋषि गेमिंग 2v2 मुकाबले को लेके आए, ऋषि गेमिंग के पास बहुत ही बेहतरीन मौका, 2v2 मुकाबला 1v2, मर्सी 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 हीलिंग आउट करते हुए, मर्सी 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 यहाँ पे हीलिंग आउट करते हुए, क्या फेम क्लैशर्स पहला मुकाबला जीत जाएंगे बड़ी आसानी से और बिल्कुल जीत जाएंगे। टीएसजी ऑलरेडी एक जगह टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं तो पहला मैच का टाइम हो गया, तो दैट्स व्हाई इनको पुश किया गया है, एज यू नो का सब्स्टिट्यूशन हमेशा ऑन रहता है एक ही गिल्ड से। तो यहाँ पे टीएसजी का एफर्ट अगर आप देखें हर जगह वो कहते हैं ना हर मैदान फतेह करने को जाते हैं, और टीएसजी को पता है कि ये साख की लड़ाई है, और दांव पे क्या लगा है, दांव पे लगा है नाम, दांव पे लगा है वो डिटर्मिनेशन, दांव पे लगा है वो गिल्ड जहां से टीम इलीट में खेल रहे किलर या फिर लेजेंड या फिर ओजस्वी, बड़े से बड़ा सितारा कभी ना कभी टीएसजी से ही गया है या टीएसजी से ही खेलता है। आज उस साख की, उस टाइटल की लड़ाई है भारत का, या यूं कहूं इस पूरे साउथ ईस्ट रीजन का सबसे टॉप गिल्ड कौन बनेगा उसकी लड़ाई है। और अगर आप देखें टीएसजी ने यहां पे पहले मैच से जंगे ऐलान कर दिए, टीएसजी ने कह दिया है सामने चाहे कोई भी बड़ी टीम आ जाए हम गिल्ड की लड़ाई तो नहीं हारेंगे। गैंग्स ऑफ बर्म्यूडा चैंपियनशिप भी इन्होंने ही जीती थी और उसी किस्म से हमने आज शुरू करी है टॉप गिल्ड वॉरफेयर। टीएसजी का पलड़ा अभी तक सबसे ज्यादा भारी दिख